हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल E3। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल फ़िश करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम काली सरसों, साबुत लाल मिर्च और लहसुन को थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे। इन सबको पीसने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लगेगा। हमारा पेस्ट तो तैयार हो चुका है, अब हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। फिश को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे धनिया पाउडर। ये देखिए, धनिया पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि सारा मसाला इसमें अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके फिश के सारे पीसेस डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए, हमने फिश डाल दी है। अब हम इसे एक साइड से 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई होने देंगे। तो देखिए, इसे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब हम इसे पलट लेंगे। एक एक करके इसे बिल्कुल हल्के हाथों से पलटें जिससे कि ये टूटे ना। तो ये देखिए, हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसे दूसरी साइड भी 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए और इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। अब हम इसे पलट लेंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे दोनों साइड से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, फिश एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम सारे फिश के पीसेस को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे फिश के पीसेस को निकाल लिया है। अब हम इसके ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी के लिए हम उसी बर्तन में जिसमें हमने फिश को मैरिनेट किया था उसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पेस्ट। पेस्ट जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, सरसों, साबुत लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको जितनी थिक ग्रेवी चाहिए या फिर जितनी पतली ग्रेवी चाहिए पानी आप उसके अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो तड़के के लिए हम उसी ऑयल में जिसमें हमने फिश को फ्राई किया था उसमें हम डालेंगे अजवाइन, कलौंजी, मेथी के दाने और साबुत लाल मिर्च। अब इनके क्रैकल होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काले सरसों के दाने। सरसों के दाने आप सबसे लास्ट में डालें क्योंकि ये जल्दी जल जाते हैं। जैसे ही सरसों के दाने क्रैकल हो जाएं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। ये देखिए, प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। हमें प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पकाना है। ये देखिए, प्याज सुनहरे हो चुके हैं। अब हम इसमें मसालों का मिक्सचर डालेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा थिक था इसलिए हमने इसमें और पानी ऐड किया है। ये देखिए, अब हम इस मिक्सचर को तड़के में डाल देंगे। तो हमने सारा मिक्सचर तड़के में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमारी ग्रेवी को पकते हुए। अब हम इसमें फ्राई किए हुए फिश को डालेंगे। तो हमने सारे फिश को ग्रेवी में डाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसमें ऊपर से हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म सर्व करें चावल के साथ। तो हमारी देसी स्टाइल फिश करी रेडी है। आप भी प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कॉमेंट में बताएं कि आपको यह कैसी लगी। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।